सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहले फाउंडेशन बोर्ड होता क्या है, सुनेंगे उसके बारे में, तब हम जा करके आप लोग जो है बनाएंगे लेविस फाउंडेशन बोर्ड। तो फाउंडेशन बोर्ड होता क्या है यह जानेंगे, जानने के बाद से तब हम लोग जो है यह करेंगे। मशीनों को जब चलाते हैं तो उसमें कंपन होता है, जिससे मशीनों में टूट फूट हो सकती है या मशीन गिर सकती है। अतः इन मशीनों को किसी भी स्थान पर रखने के लिए एक सुदृढ़ आधार की आवश्यकता होती है इसी आधार को नींव या फाउंडेशन कहते हैं। जब मशीनी आधार को नींव पर आरसीसी सल्फर या लेड के साथ बोल्ट को खड़ा करके ऊपर मशीन का आधार रखकर नट की सहायता से टाइट किया जाता है, इसमें प्रयोग किए जाने वाले बोल्ट को ही न्यू बोल्ट कहते हैं। इन बोल्टों के द्वारा मशीन का न्यू के साथ अस्थायी बंधन हो जाता है, जिससे किसी भी समय मशीन को न्यू से अलग किया जा सकता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे आई बोल्ट, कर्व बोल्ट, रैंग बोल्ट, लेविस बोल्ट, टी हेड बोल्ट, कार्टर फाउंडेशन बोल्ट, स्क्वायर हेडेड बोल्ट, ये होते हैं, जिसमें से हम लोगों ने कर्व बोल्ट पढ़ लिए हैं, रैंग बोल्ट पढ़ लिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे लेविस फाउंडेशन बोल्ट को, तो चलते हैं, देखते हैं, बनाते हैं हम लोग लेविस फाउंडेशन बोल्ट को। बहुत ही आसान है लेविस फाउंडेशन बोल्ट, जैसा कि हम लोग जो है बनाते आए हैं। कल जिस तरह से हम बना रहे थे कर्व बोल्ट, उसी तरह का आसान है ये भी, और किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, बनाते हम लोग। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लिखते हैं यहाँ से फाउंडेशन बोल्ट, सबसे पहले हम लिखेंगे फाउंडेशन बोल्ट, और फाउंडेशन में न्यू बोल्ट, कोस्ट में फाउंडेशन बोल्ट। फाउंडेशन बोल्ट कितने, कौन कौन से होते हैं, जिस तरह से नंबर एक आई बोल्ट, दूसरा है कर्व बोल्ट, तीसरा है रैंग बोल्ट, चौथा है लेविस बोल्ट, पांचवा है टी हेड बोल्ट, छठा है
स्क्वायर हेडेड हेडेड बोल्ट, स्क्वायर हेडेड बोल्ट। और सातवां है कार्टर फाउंडेशन बोल्ट, कार्टर फाउंडेशन बोल्ट। कार्टर फाउंडेशन बोल्ट ये हमारे इतने हो गए, जिसमें से हम लोग कर्व पढ़ चुके हैं, रैंक पढ़ चुके हैं, और जो हमारे सिलेबस में इस बार रहेगा वो हम लोग पढ़ेंगे। ये इतने होते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे लेविस फाउंडेशन बोल्ट, आज पढ़ेंगे हम लोग लेविस फाउंडेशन बोल्ट। ये लेविस फाउंडेशन बोल्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। तो है सिलेबस इतना ही है, जैसे इतने हमारे फाउंडेशन बोल्ट हैं, इतने हमारे फाउंडेशन बोल्ट होते हैं। इनमें से हमको जो हमारे कोर्स में होगा चार या पांच हैं ऐसे, उनको हम लोग पढ़ेंगे। तो हमने कर्व पढ़ लिया है, रैंक पढ़ लिया है, नहीं कर्व पढ़ लिया है, रैंक पढ़ लिया है, आज हम लोग लेविस पढ़ेंगे, लेविस फाउंडेशन बोल्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। तो बहुत ही आसान, जिस तरह से कल कर्व फाउंडेशन बोल्ट था उसी तरह से लेविस फाउंडेशन बोल्ट है। इसमें भी हम एक सेंटर लाइन खींचते हैं और एक डी लेते हैं और उसी के हिसाब से हम नट बनाते हैं, बोल्ट बनाते हैं, वाशर बनाते हैं, मशीन बेस तैयार है जो जिसपे मशीन रखी जाती है उस बोल्ट पे वो बनाते हैं, और फिर कंक्रीट लगाते हैं, हमारा बन करके तैयार हो जाता है। तो हम लोग पढ़ेंगे लेविस फाउंडेशन बोल्ट, लेविस फाउंडेशन बोल्ट, यहाँ हम लिखते हैं लेविस। लेविस फाउंडेशन फाउंडेशन बोल्ट, लेविस फाउंडेशन बोल्ट, ठीक है। इसमें भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक सेंटर लेते हैं, सबसे पहले एक तो हम पहले हम डी मान लेते हैं। डी अगर हमने डी 20 मान लिया है या 24 मान लिया है, जो भी माने, हम उसी के वैल्यू में उसका नट बोल्ट बनाते हैं, उसका नट बोल्ट बनाते हैं। तो हम लोग बनाते हैं, एक सेंटर लाइन लेते हैं, एक सेंटर लाइन लेते हैं, जिस तरह से पहले बने थे बेस उसी तरह का रहता है। एक सेंटर लाइन लेते हैं, एक सेंटर लाइन ले लिए। सेंटर लाइन लेने के बाद से एक हम लेते हैं डी के बराबर, ये हमारा डी हो गया 20, यानी कि सेंटर लाइन से 10 mm इधर, 10 mm इधर। अब डी बाई टू ये यहाँ से यहाँ तक 20 हो गया, फिर 10 mm इधर और 10 mm इधर, ये इक्वल। और ये हम के लिए ठीक, और हम इसे हमने पैक कर दिया। और अब हम इस पे जो है बनाते हैं नट का, तो हम लोग जानते हैं या तो इसके बराबर डिस्टेंस लेकर के पूरा कर दें, या फिर यहां से हम 2D के बराबर डिस्टेंस लिए, 2D के बराबर डिस्टेंस लिए, और यहां से लेकर के 2D के बराबर डिस्टेंस लिए, ये यहां से आकर यहां मिला, और इधर से भी सीधाई में इसके यहां से लेकर के यहां ये हमारा बन गया। 2D के बराबर डिस्टेंस लिए, यहां कहीं आया और यहां से हमने यहां रखा और यहां से ये मिला दिए अपने कंपास से, ठीक।
इसके लिए जो हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस तरह से किए थे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक यहाँ आया था, और फिर हम क्या किए थे, यहाँ रखे थे, यहाँ कट कर दिया था, यहाँ कट कर दिया था और यहाँ कट कर दिया था, तो यहाँ रखते थे और मिलाते थे, तो एक यहाँ से इस तरह से यहाँ और एक इस तरह से यहाँ कर्व आ जाता था। एक यहाँ से करते थे, एक यहाँ से यहाँ और एक यहाँ से यहाँ इस तरह से कर्व आ जाता था। ठीक, यहाँ से 30 डिग्री पे ये एक चैम्फर निकलता था 30 डिग्री पे। ठीक, यह हो गया। इतना होने के बाद से इस डी के बराबर यहाँ डिस्टेंस लेते हैं और एक यहाँ से हम निकाल देते हैं, जो बोल्ट का उभरा वाला पार्ट, थोड़ा सा आप लोग देखते होंगे किसी बोल्ट का जो उभरा रहता है ऊपर से, वह हो जाता है। ठीक, हल्का सा उभरा बोल्ट का इस तरह से रहता है बोल्ट कोई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो यहाँ से यहाँ तक हम लिए हुए हैं हमारे नट का, अब हम यहाँ वाशर लगाते हैं। तो वाशर हमारा होता है, वाशर के लिए क्या होता है, वाशर के लिए क्या होता है, 2D+3 या 4 mm। ठीक, तो 2D यानी कि D हमारा कितना है, 20 है, तो 2D कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और उसमें हम अगर 4 mm मिलाते हैं तो 44 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक 22 mm और यहाँ से यहाँ तक 22 mm हो जाता है। और फिर इसकी ये मोटाई जो होती है, इसकी जो मोटाई होती है ये मोटाई होता है D/8। ये मोटाई जो होती है D/8 होता है। तो D/8 होने का मतलब D हमारा 20 है, तो 20 में अगर हम 8 का भाग देते हैं तो कितना आता है, 8 3 24, अगर मान नहीं, हाँ 2.8 3 24 ज्यादा हो जाता है, देखो ज्यादा हो जा रहा है, तो लगभग 3 mm या 3 से कम 2.5 पर ही आ जाते हैं। ये इतना हम खींच लिए और इसे हमने मिला दिया। ठीक, ये हमारा वाशर बन गया। जब हमारा वाशर बन जाता है, जब हमारा वाशर बन करके तैयार हुआ, अब हम यहाँ जानते हैं कि मशीन बेस को रखेंगे। तो मशीन बेस के लिए हम यहाँ से हल्का सा आगे 5 mm नीचे आ जाते हैं और इस तरह से बढ़ा लिए मशीन बेस के लिए, और यहाँ से सीधा होने के बाद से हम इसे थोड़ा सा शॉर्ट ब्रेक लाइन ले लेते हैं और इसको मिला देते हैं। ठीक, या तो शॉर्ट ब्रेक लाइन ले ले या तो सीधे ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं, हल्का सा यहाँ से कर लिए और सीधा कर लिए और इसको भी सीधा ही मिला लेते हैं, सीधा ही रख लो और ये मिला लिए। ठीक, ये इतना हो गया। इतना होने के बाद से थोड़ा सा और ले लेते हैं, यहां तक ले लेते हैं, थोड़ा सा और ले लेते हैं, थोड़ा सा दूरी रहेगा तो अच्छा लगेगा दिखने में। चलो ये हो गया। अब ये हमारा मशीन बेस भी तैयार हो गया, मशीन बेस के बाद से हम जो है मशीन बेस के बाद से मशीन बेस तैयार होता है। मशीन बेस के बाद से हम ये डी आ जाते हैं, ये डी आए यहाँ तक और ये यहाँ से डी यहाँ तक आए और कुछ नीचे तक डी आते हैं। ठीक, डी नीचे तक आए हैं, इसको अभी यहाँ पर हम छोड़ देते हैं और हम यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, इस डी को लेकर के आगे मिला लेते हैं, इसे हम आगे मिला लेते हैं। ठीक, यहाँ तक हमने मिला लिया, हाँ यहाँ तक हमने मिला लिया, इसको भी छोड़ देते हैं। अब यह सेंटर लाइन है, इस सेंटर लाइन से
डी के बराबर एक डिस्टेंस लेते हैं, सेंटर लाइन से डी के बराबर डिस्टेंस लेते हैं यहाँ, और यहाँ से डी बाई फोर, यहाँ से डी बाई फोर, डी कितना है, डी हमारा 20 है, डी बाई फोर, डी बाई फोर कितना हो जाएगा, 4 × 5 = 20, 5 mm, तो 5 mm हम नीचे आते हैं, यहाँ से डी के बराबर डिस्टेंस गए, यहाँ से 5 mm नीचे आते हैं, 5 mm नीचे आने के बाद से ये डी बाई फोर होने के बाद से अब यहाँ से डी बाई, यहाँ से तक डी था, डी बाई टू आते हैं, डी बाई टू के बाद से ये डिस्टेंस डी बाई टू आता है, डी बाई टू आता है, और ये डिस्टेंस हम जो है आगे लेकर के जाते हैं, और ये यहाँ पे इसमें हम मिला देते हैं, यहाँ मिलने के बाद से ये डिस्टेंस जो बना हुआ है ये यहाँ से डी का वाला गया है, अब यहाँ से हम डी बाई थ्री का एक डिस्टेंस लेते हैं, डी बाई थ्री का ये डिस्टेंस लेते हैं, ये डिस्टेंस यहाँ आया ठीक, और अब हम इसको यहाँ से यहाँ ऐसे मिला देते हैं, ये डिस्टेंस जो हो रहा है वह डी बाई थ्री हो रहा है, यह हो रहा है 1.5D के बराबर डिस्टेंस ये हो गया, यह डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ तक है, यह डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, यह है 0.5D ठीक, और यह है D by 4 है, और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो रहा है वह जो है वह D हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वह D हो रहा है, D के बराबर डिस्टेंस लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का, अब ये हो गया, अब हम क्या करते हैं इसको और आगे बढ़ा करके, इसे और आगे बढ़ा करके यहाँ से अपना शॉर्ट ब्रेक लाइन, यहाँ से अपना शॉर्ट ब्रेक लाइन लेते हैं और इसको हम मिला देते हैं, ये मिल गया, और इसमें अब हम कंक्रीट सीमेंट लगा देते हैं, ये डिस्टेंस हमारा डी है, ये डिस्टेंस हमारा डी है, अब हम इसमें कंक्रीट सीमेंट से इसे फिक्स करते हैं, ये कंक्रीट सीमेंट हम इसमें फिक्स कर देते हैं। और इस तरह से, और अब ये जो डिस्टेंस बचा हुआ है इसे हम ये हैचिंग कर देते हैं, हैचिंग जानते ही हैं आप लोग कि 45 डिग्री पे हैचिंग होती है, ये 45 डिग्री पे इसकी हैचिंग हो गई, ठीक, इन सबों को डार्क कर देंगे, बाकी सब जो है हल्का रहेगा, ये सब डार्क रहेगा अच्छा लगेगा, ये डार्क कर दीजिए सही रहेगा, ठीक, इस तरह से ये बन गया, अब हमें क्या करना है कि ये हाँ
अब सर ये हमें, तो कल के जैसा है, बीच हाँ कल के जैसा है, फाउंडेशन है वाला हमारा, सिर्फ अंतर है। हाँ बीच वाला ये देखिए केवल सेंटर से 1.5 डी, यह 1.5 डी केवल डिस्टेंस यहाँ लिया गया है, यहाँ डी था यहाँ मिला दिया गया, और यहाँ डी से जो हाफ डिस्टेंस था वो बराबर ही आया है। और फिर अब यहाँ से जो इसका ये वाला पार्ट आया हुआ है डी डी का, यहाँ से डी के बराबर, यहाँ से डी के बराबर इस पर डिस्टेंस लेते हैं, और फिर ये यहाँ हम जो है D/4 कर लेते हैं, ये नीचे आए, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक डी का डिस्टेंस है ये है। अब ये कितना होता है, ये D/2 होता है, ये जो इधर आए हैं ये D/2 होता है, तो ये D/2 हमारा कर लिए हैं, ये हमारा कुछ दूर आता है, और फिर इसे जोड़ देते हैं, और फिर हम ये कंक्रीट सीमेंट इसमें भर देते हैं। अब इसके बाद से ये हमारा फिक्स हो जाता है, अब इस पे हम नट बोल्ट पे मशीन बेस हमारा तैयार हो जाता है, और इसी फाउंडेशन पे हम मशीन अपनी हैवी मशीन जो लगाना होता है लगाते हैं। बिल्कुल ही सर आसान वो है, डी कुछ बाई नहीं। टू होता है सर, हाँ सर ये, वो डी बाई टू होता। हाँ ये D/2, ये जो डिस्टेंस गई है हाँ तो डी बाई सर टू 0.5 D क्यों लिखे हैं तब? तो 1/2 हो जाएगा ना, 1/2 हो जाएगा ना, 1/2 हो जाएगा ना, 1/2 हो जाएगा ना, 1/2 होगा। देखो यहाँ से आप डी यस का सर, यस डिस्टेंस ले लिए हैं, ठीक है सर, ठीक हाँ देखिए ठीक कभी भी कहीं कंफ्यूजन आप किसी को हो तो हमारे पर्सनल पर भी फोन कर सकते हैं कहीं, लेकिन आप समझिए, जरूर समझिए, बनाइए जरूर नहीं बनाइए। सर, हो गया हाँ है कुछ नहीं, बस जब आप लोग मन बना लेंगे बनाने का तो बिल्कुल बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आप विभिन्न तरह के बुक देखते होंगे, देखेंगे तो तरह तरह का बना बना रहेगा, उससे मतलब नहीं है, आप बनाने एक तरह से जान जाएंगे तो सब समझ जाएंगे। ये हमारा लेविस फाउंडेशन बोर्ड बन करके तैयार हो गया। अब या तो हम यहाँ दिखा दें, ये हमारा नट हो गया, ये हमारा मशीन बेस हो गया, ये हमारा कंक्रीट हो गया, इस तरह से है ये सब, आप लोग बनाए, इसे बना करके हमें भेजें, हम देखेंगे, बनाइए आप लोग। जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं सभी लोग बनाएं बनाएं भेजें, नहीं आता है तो हमारे पर्सनल पे फोन करके कभी भी किसी भी समय कोई जान सकता है, समझ सकता है, किसी तरह के किसी को दिक्कत नहीं है, आप लोग बनाते रहें समझते रहें। ये यहाँ से हम थोड़ा सा दिखा देते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक का जो ये डिस्टेंस कितना है, ये देख लीजिए, ये हम हो गया, ये है यहाँ से 2.5 डी, 2.5 डी, या फिर पूरी डिस्टेंस देख लीजिए, ये यहाँ से जहाँ से ये इसका सेंटर है लेविस का, यहाँ से लेकर के ये पूरी डिस्टेंस या तो देख लें तो यह 8 डी के बराबर होगा, 8 डी के बराबर होगा, ये पूरा डिस्टेंस अगर देखें तो 8 डी के बराबर होगा, 8 डी के बराबर ये पूरा डिस्टेंस होगा। या जो लगती है या अलग से या की लगती है, इसको कहते हैं की। की
एक बार पुनः समझिए आप लोग इसे, एक बार पुनः फिर समझ लीजिए कि सबसे पहले हम केवल डी माने हैं, डी माने हैं, डी मानने के बाद से ये सेंटर लाइन लिए हैं, सेंटर लाइन से डी के बराबर डी 20 है, तो हम यहाँ से 20 यहाँ, यहाँ मतलब यहाँ से 10 यहाँ, यहाँ से 10 यहाँ, तो यहाँ तक हमारा डी हो गया, डी हमारा 20 हो गया। जो आधा डिस्टेंस होता है आप सभी लोग जानते हैं कि डी बाई टू होता है, डी बाई टू होता है, अगर ये 20 है तो 10 ये, 10 ये हो गया। अब ये हमारा वाशर आता है, वाशर की हमारा पूरी डिस्टेंस जो होती है 2D प्लस 3 mm या 4 mm, ये डिस्टेंस ले लिए। ये इसकी जो मोटाई होती है वो डी बाई एट होती है, तो डी बाई एट यह कर लिए। डी बाई एट के बाद से यह हम आगे बढ़ा करके मशीन बेस करके ये कर लिए, मशीन बेस हो गया। अब हम इसे आगे बढ़ाए हैं सेंटर लाइन से, ये डी के बराबर डिस्टेंस यहाँ आए और डी के बराबर यहाँ आए, डी के यहाँ हमने पॉइंट को छोड़ दिया है, यहाँ हमने पॉइंट को छोड़ दिया है और यहाँ ये लाइन आगे बढ़ा दिए हैं, यहाँ इसको हमने आगे बढ़ा दिया है, ये आगे यहाँ पे आया है, आगे बढ़ा दिए हैं और यहाँ जब आ गया है तो हम इसे कहाँ तक ये आएगा, 1.5D, 1.5D के बराबर डिस्टेंस लिए हैं, यहाँ पे आया है तो हम यहाँ से अपने स्केल से इसे मिला दिए हैं। मिलाने के बाद से यहाँ पे हम की लगाते हैं, की लगाते हैं, तो यहाँ से हमने डी के बराबर डिस्टेंस ले लिया है, डी हमारा 20 है तो 20 के बराबर डिस्टेंस लिया है, तो 20 आ गया है, 20 पर हम पॉइंट लगा दिए, वहाँ से डी बाई फोर पे हम नीचे आए, डी बाई फोर पे हम नीचे आए, नीचे आने के बाद से यानी कि डी के आधा हम ये डिस्टेंस गए, डी के आधा का ये डिस्टेंस गए और फिर यहाँ से हम डी के आधे पे यहाँ से आकर के हम फिर नीचे जा रहे हैं और यहाँ पे इस की को मिला दे रहे हैं, ये डिस्टेंस डी बाई टू हो गया और ये यहाँ से यहाँ तक पूरा डी का डिस्टेंस हो गया। ये बनाने के बाद से फिर हमने शॉर्ट ब्रेक लाइन लिया, शॉर्ट ब्रेक लाइन में इसमें हमने कंक्रीट सीमेंट ये लगाए और जो है कंक्रीट सीमेंट भर दिए, यहाँ पे हमने हैचिंग कर दिया, हैचिंग करने के बाद से यह मेरा लेविस फाउंडेशन बोर्ड तैयार हो गया। इस तरह से ये मेरा लेविस फाउंडेशन बोर्ड तैयार हो गया। लेविस फाउंडेशन बोल्ट आप लोग बनाइए, आराम से बनाइए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे थ्रेड दिखा देंगे हल्का सा, ये यहाँ सा जाता है छोटा सा यहाँ, ये डिस्टेंस हमारा डी के बराबर होता है, जहाँ हमने नट बनाया है डी के बराबर डिस्टेंस लिए हैं, ये डी के बराबर डिस्टेंस के पास ये वाशर है, ये मशीन बेस है और ये डी लाए हैं यहाँ से यहाँ तक और ये इसको पूरा लेकर आगे गए हैं। ये यहाँ आने के बाद से हम यहाँ से 1.5D का डिस्टेंस लिए हैं और यहाँ पे जो वैल्यू आया है वहाँ से फिर मैंने डी तक मिला दिया है, ये सीधा आया हुआ है। फिर हमने यहाँ से डी के बराबर डिस्टेंस लिया है, डी बाई फोर यहाँ किया है, डी बाई फोर के बाद से डी बाई टू यहाँ आ गया है, आधे के बाद जब आया है तो हमने फिर यहाँ पे मिला दिए, ये हमारा की हो गया है, हमने इसमें की फिट कर दिया है, फिर सीमेंट कंक्रीट से इसे जाम कर दिया है। लेविस फाउंडेशन बोल्ट इसका नाम है, लेविस फाउंडेशन बोल्ट।
एक डी के बराबर लिख जैसे